हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस्कॉन बैंगलोर। और इस्कॉन बैंगलोर आप देखेंगे और इस वीडियो में, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम हैं और ये है हमारे साथ अखिलेश। तो हम चल रहे हैं इस्कॉन बैंगलोर, जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा इस्कॉन है। तो आपको श्री हरे कृष्ण के दर्शन कराने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन। और अगर आप इस्कॉन में मेट्रो से आएँ तो यहाँ पास में महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप आ सकते हैं और ऑटो बस सब आपको मिल जाएगी, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मंदिर बड़ा ही अच्छा है, हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। ये सामने है मंदिर का रास्ता, तो चलिए चलते हैं। तो हम इस्कॉन पहुँच चुके हैं, राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे में। और ये है हमारी व्हीकल एंट्री, यानी कि आप कोई भी वाहन लाए हैं तो इस जगह से यहाँ से जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हीकल्स के लिए आगे से रास्ता है और जो कोई पैदल जाए उसके लिए पीछे से रास्ता है। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये हमारी स्टेयर्स हैं, आप देख सकते हैं स्टेयर्स काफ़ी ऊपर तक हैं। तो चलिए हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं और आपको पूरा व्यू हम दिखाते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ये वाटर और अंदर चल रहे हैं हम। यहाँ पे बैग और शूज डिपॉजिट होगा, चलिए चलते हैं। सो वी आर एट इनसाइड टेम्पल एंड यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। और अब हम चलेंगे आगे की तरफ, तो चलिए चलते हैं। पे शूज डिपॉजिट करने का आप देख सकते हैं काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे आप शूज डिपॉजिट कर सकते हैं। और चलिए हम भी अपने शूज डिपॉजिट कर देते हैं और फिर हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। हमने स्लीपर का टोकन ले लिया है। स्लीपर अगर आप एक लोग हैं तो 5 रुपये और 2 लोग हैं तो 10 रुपये। और यहाँ पर बैग हैं तो इस बैग को हम ले करके इसमें स्लीपर डालेंगे और फिर यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने शूज़ एंड स्लीपर्स डिपॉजिट कर दिए हैं और ये टोकन हमें मिला है, तो इस टोकन को हमें अपने साथ में रखना होगा, इसको खोने नहीं देना है, इसको संभाल के रखना है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आप फ्री में भी अपना शू या स्लीपर फुटवियर यहाँ पर रख सकते हैं। और हालांकि हमने टोकन ले लिया है क्योंकि हमें पता नहीं था, और अगर आप फ्री में रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, और लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। और अगर आपके फुटवियर महंगे हैं तो यहीं पर रखें तो आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं फ्री में। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से आप हाथ धोकर हैंड वॉश करके मंदिर में जाएं, इसलिए यहाँ पर नल लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, और ऊपर जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग को पता नहीं था, हम लोग दोबारा से घूम गए थे, अब रास्ता पता चला है तो अब सीधे चलते हैं और आपको पूरा लुक अच्छे से दिखाने वाले हैं। यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा और पी सकते हैं कि यहाँ पर मेट्रो है और ये मेन रोड है। हम इस्कॉन के अंदर हैं और ये पूरा स्ट्रीट बना हुआ है जिससे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे गार्डन्स यहाँ पर बने हैं, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत है और हरे कृष्ण जहाँ है वहाँ तो दुनिया ही खूबसूरत है। तो चलिए हम चल रहे हैं और ये देखिए आप कितना अच्छा गार्डन है। मेट्रो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए मेट्रो। अगर आप मेट्रो के शौकीन हैं, मेट्रो से आना चाहते हैं, और यहाँ की मेट्रो काफ़ी लंबी है, ये आप गौर कीजिए। लक्ष्मी मेट्रो स्टेशन है जिससे आप आराम से आ सकते हैं। हाँ, और ये भी हमारे साथ थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करते चल रहे हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं और आप यहाँ का गार्डन व्यू काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। ये राधा कृष्ण टेम्पल है इस्कॉन का, इसके लिए हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ी चढ़ के, और आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर है। सो ऊपर चलते हैं हम सीढ़ियों से। ये हम मंदिर के अंदर पहुँचने वाले हैं और ये है गोल्डन पिलर, स्वर्ण स्तंभ, जो कि पूरा गोल्ड से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है। तो ये देखिए हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं।
और ये स्वर्ण स्तंभ है, और हमें अभी और ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर और अभी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, मेन टेम्पल ऊपर है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। सो मंदिर के अंदर चलते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये हम लोगों को इन्होंने कार्ड दिया है और यहाँ पर हम इन सीढ़ियों को चढ़ेंगे और हर सीढ़ी चढ़ करके हमें ये हरे रामा हरे कृष्णा पढ़ना पड़ेगा, और ये काफ़ी अच्छा है और पीसफुल है मंदिर। तो चलिए हम चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये है मंदिर के ऊपर, चलिए चलते हैं। तो अभी आपने नरसिंह भगवान को देखा, और यहाँ पे फोटो खींचना नॉट अलाउ है, तो हम रूल्स का फॉलो करेंगे और इस भगवान के सभी के दर्शन करेंगे। यहाँ पे प्रसाद का काउंटर है, अगर आपको प्रसाद लेना है तो ले सकते हैं। और चलिए चलते हैं ऊपर, और काफ़ी ऊपर हम आ गए हैं, और मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना नॉट अलाउ है, कैमरा नॉट अलाउ है, तो हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और हम आपको अंदर की फ़ोटो नहीं दिखा सकते हैं। तो सॉरी फॉर दिस, एंड बाकी हम आपको पूरा मंदिर दिखाने वाले हैं। ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, हम मंदिर के ऊपर तक पहुँच चुके हैं, और ये पूरा ऊपर से व्यू है, काफ़ी ऊपर हम आ गए हैं। और ये यहाँ पे पूरा स्वर्ण से बना हुआ है, और काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, और इधर काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और प्रसाद है, आप प्रसाद ले सकते हैं। ये लड्डू हैं, ये पूरा प्रसाद। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और अब हम मंदिर से आ चुके हैं। यहाँ पे भगवत गीता है, तमिल तेलुगु कन्नड़ सारी भाषाओं में आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे कुछ भगवान की चीज़ें हैं जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे काउंटर हैं, एटीएम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर आपको टेंगल 30 रुपये पीस, लड्डू 20 रुपये पीस, मोतीचूर लड्डू 30 रुपये पीस, एंड सो ऑन। पैकिंग चार्ज 20 रुपये, यानी कि अगर आप पैक कराते हैं तो 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बेकरी आइटम्स भी मिल जाएंगे। पेस्ट्रीज, यहाँ पे काफ़ी सारा परचेजिंग आइटम लगा हुआ है, अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, और काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारा सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एटीएम भी है, अगर आप के पास पैसे नहीं है तो पैसे भी निकाल सकते हैं, तो एटीएम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स दी गई हैं, आप शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं।
कृष्ण जी की गुड्डा गुड़िया सारे आठ लोग से। यहाँ पर आपको नाश्ता मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, जलेबी, समोसा, फ्रेंच फ्राइज 45 रुपीस, ढोकला, ₹30 गुलाब जामुन। यहाँ पर हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और यहाँ बाहर की खूबसूरती हम आपको दिखाने वाले हैं। ये है यहाँ पे पॉन्ड, तालाब बना हुआ है। पार्किंग एंड यहाँ पे प्रसाद मिलेगा, जाते समय प्रसाद की लाइन लगी हुई है तो उस लाइन में हमें लगना पड़ेगा और प्रसाद बट रहा है उसे लेकर के आगे जाने तक। तो ये है यहाँ का प्रसादम और हम प्रसाद को ईट कर लेते हैं, हम लोग ने ले लिया है और फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर है खूबसूरत सा पॉन्ड। ये है एग्जिट पॉइंट और अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये प्रसादम रेस्टोरेंट है, अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। चलिए हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। ये है फुटवियर स्टैंड। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस्कॉन टेम्पल देख के अगर अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें, पसंद करते रहें और हमारे चैनल पे बने रहें। और तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।